दोस्तों, विपक्ष पार्टियों के नेता मुसलमानों को लेकर मोदी सरकार और आरएसएस को लेकर बहुत से आरोप लगाते आए हैं। बीजेपी पार्टी की ओर से भी लगातार आरोप लगाया जाता है कि सोशल मीडिया पर एक ऐसा गैंग है जो नरेंद्र मोदी की सरकार प्रति मुसलमानों में नफरत फैलाने का लगातार एजेंडा चलता रहता है, जबकि ऐसा एजेंडा धारियों को मोदी की फैन जनता भी खूब आईने दिखा रही है और उनकी पोल भी खोल रही है। कहां ये सब हो रहा है, हम आपको पूरा मामला विस्तार पूर्वक सुनाते हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक। दरअसल दोस्तों, जब से बीजेपी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तब से मोदी सरकार लगातार दावा करती आई है कि वो सबका साथ और सबका विश्वास मूल मंत्र को अपना काम कर रही है। इसके अलावा 2019 के चुनाव जीतने के बाद भारत के पीएम बनने वाले नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 70 सालों तक मुस्लिम पुष्टिकरण की राजनीति की वजह से मुसलमानों से धोखा हुआ है, अब हमारी सरकार उसमें छल कपट करने का प्रयास करेगी। पीएम मोदी के किए गए वादे का अब जाकर 2023 में असर दिखने लगा है, क्योंकि अब मुसलमानों ने ऐलान किया है कि उससे साफ दिखाई दे रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी बिना किसी भेदभाव वाले कामों ने मुसलमानों के दिल में एक बड़ी जगह बना ली है, जो दोस्तों मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताने वालों के लिए करारा थप्पड़ है। दरअसल दोस्तों, बात ये है कि गोवा में मुस्लिम उलेमाओं और बुद्धिजीवियों ने मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ की और सरकार के लिए एक और नई मुहिम चालू करने की मांग की, और साथ ही घोषणा भी की गई कि मुसलमानों के बीच आरएसएस और बीजेपी के विरुद्ध राजनीति पार्टियों ने जो चारों ओर नकारात्मकता फैलाई थी, उससे इंद्र कुमार के नेतृत्व में मुस्लिम राष्ट्रीय की मुहिम और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के भाषणों, बर्ताव और व्यवहारों ने धराशाही कर दिया। ये घोषणा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य शिक्षक के साथ हुए विचारधारा में की गई थी। उलमाओं का कहना है कि हमें बेवजह आरएसएस और बीजेपी के नाम पर सालों साल तक डराया धमकाया गया। दरअसल बैठक में संघ और मुस्लिम वार्ताकारों के बीच अहम मसलों पर एक ही राय बनी और साथ ही डर और शक की गुंजाइशों को दूर किया गया। उलेमाओं, मुसलमानों और बुद्धिजीवियों ने मंच के मुख्य सुरक्षक इंद्रेश कुमार को बड़ी ही शांति और तवज्जो देते हुए सुना और साथ ही एक मंच से आश्वासन लिया कि भ्रम की कोई स्थिति नहीं है। वहीं मुस्लिम उलेमाओं और बुद्धिजीवियों ने वरिष्ठ आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार से बैठक के बाद एक सुर में कहा कि आज देश में एक ऐसी सरकार है जिसने साबित कर दिखाया है कि जिस बीजेपी और आरएसएस के बारे में हमें सालों से डराया धमकाया गया है, वही बातें बेवकूफ और झूठी साबित हुई। उलेमाओं ने साफ कहा कि सच तो ये है कि सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीमें चली उसका लाभ सबको हुआ, किसी के साथ ना तो जात पात और ना ही धर्म और ना ही पार्टी के नाम पर कोई भेदभाव हुआ। यानी कि कुल मिलाकर मोदी की सरकार को मुस्लिम विरोधी बताए जाने के नाम पर जो एजेंडा चलाए जा रहे थे, अब उन पर उलेमाओं की नई मुहिम शक्तिशाली चोट पहुंचाने वाली होगी और ये मुहिम को 2024 में होने वाले चुनाव में विरोधी पार्टियों पर भी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। हमारे साथ यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आइए देखते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में हिंदुस्तान की विदेश नीति का सिक्का जमाने वाले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने बेबाक अंदाज के लिए देश विदेशों में लगातार मशहूर होते जा रहे हैं। उनका बेधड़क अंदाज देश विदेश की जनता को भाता है, साथ ही हिंदुस्तान के पीएम मोदी को भी घायल करता है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी एस जयशंकर के विदेश नीति से बहुत खुश हैं और इसी कारण मोदी ने अपने बयान में देश की जनता के सामने डॉक्टर एस जयशंकर की जमकर प्रशंसा की। अब प्रधानमंत्री ने विदेश मंत्री के बारे में अपने कोने कोने से अच्छे विचार लोगों के सामने पेश किए हैं और इस पर पलटकर डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या बोल डाला, ये सब आपको विस्तार से सुनाते हैं। तो क्या है ये पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इन दिनों देश विदेश की जनता डॉक्टर एस जयशंकर की जमकर प्रशंसा कर रही है और लगातार उनकी फैन भी बनती जा रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे उन्होंने इतनी जल्दी लोगों के दिल में जगह बना ली? एस जयशंकर ने जिस तरह से दुनिया के बदलते वैश्विक हालातों में पूरी दुनिया के सामने भारत के पक्ष को मजबूती के साथ रखा है, उन्हें देश के सबसे उत्तम और बेझिझक अंदाज वाले विदेश मंत्री के तौर पर प्रस्थापित करता है और इसीलिए जनता उनकी फैन बनती जा रही है। जिस तरीके से वो बड़े बड़े देशों को जवाब देते हैं, अमेरिका से लेकर चाइना और अन्य तमाम देशों को, और छोटे मोटे पाकिस्तान देश जिस तरीके से उनके होशिए पर रहते हैं,
उनके हाशिए पर रहते हैं और जिस तरीके से वो उनको बेखौफ जवाब देते हैं और जिस तरीके से वो हिंदुस्तान के ऊपर सवाल खड़े होते हैं, उसी अंदाज में भारत की हीरो डॉक्टर जयशंकर की तरफ से जवाब दिया जाता है तो जनता फूले नहीं समाती और यही मुख्य कारण है जो जनता जयशंकर की फैन है और साथ ही मोदी भी। इसीलिए मोदी ने जयशंकर के जन्मदिन पर उनके विदेश नीतियों के बारे में बातचीत की। साथ ही उन्होंने ट्वीट के जरिए लिखा कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं। वो भारत के विदेशी संबंधों को बढ़ाने और प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। उन्हें लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिले। अब आपने देखा कि कैसे मोदी ने एस जयशंकर के बारे में दो लाइन्स में ही उनको उनके कार्यों का हर अंदाज में बयान कर दिया। और इसके साथ ही आपको बताते हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने मोदी के ट्वीट पर लिखा है, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बताते हैं कि डॉक्टर जयशंकर ने क्या जवाब दिया। उन्होंने मोदी के ट्वीट पर लिखा, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन राष्ट्र के लिए काम करने के लिए निरंतर प्रेरणा, ये उनकी ओर से जवाब दिया गया है। अब आपको बता दें कि केवल मोदी ही नहीं बल्कि विरोधी विपक्ष बड़े बड़े आरोप लगाता हो, लेकिन कई सूत्र भी यह नहीं मानते कि मौजूदा हिंदुस्तान की विदेश नीति सबसे मजबूत दौर में है। इसका क्रेडिट केवल मोदी और जयशंकर को ही जाता है, जिन्होंने दिन रात एक कर हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत बनाया है, जिसकी वजह से ही आज विदेशों में हिंदुस्तान का नाम बोलता है। दरअसल एक घटना का जिक्र आपसे शेयर करते हैं। जब एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल खड़ा किया और रूस यूक्रेन युद्ध का जो मामला है वो भी लगातार जारी था, पूरी दुनिया जो है उन पर घेराबंदी कर रही थी और भारत रशिया से तेल खरीद रहा था, उस पर जवाब दिया था कि आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं, जितना तेल यूरोप एक दो बार में खरीदता है उतना तेल भारत पूरे एक महीने में भी नहीं खरीदता, जयशंकर का जमकर वायरल हुआ था। दोस्तों आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, आपकी जो भी राय है वो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम इसी तरह की वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, साथ में बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में एक नई खबर के साथ।